हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन बना रहे थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुके थे और 6 आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, प्रूव दैट टैन इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। पहले LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू टैन इनवर्स 63/16। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13। उसी तरह से कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5 मानेंगे, तो cos 5 इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। फिर हम tan के फॉर्म में भी निकालेंगे इसको, तो यहां से निकालेंगे tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/13, इसका मतलब परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस 13 है, तो बेस हमारा जो हो जाएगा 12 होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से हम निकाल लेंगे 5/12। ठीक उसी तरह tan फाई का भी वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा cos फाई का वैल्यू दिया है 3/5, यानी कि 3 और 5, तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो tan फाई का वैल्यू हो जाएगा 4/3। अब यहां से हम आगे लिखेंगे tan थीटा प्लस फाई, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला होता है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। पीछे ये फॉर्मूला लिखवाया गया होगा tan a प्लस बी करके, उसी फार्मूला पर इसको हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू है 5/12 प्लस, इधर लिख देते हैं tan थीटा प्लस 5, tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू 5/12, tan 5 का वैल्यू आया 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसका एलसीएम लेंगे 12 और 3 का, तो 12 हो जाएगा 5 प्लस 16/, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा यहाँ पर, माइनस 20, ये आया है tan थीटा प्लस 5 इक्वल। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 16 हो जाएगा 21/12 इंटू, इसको इन्वर्स कर देंगे तो 36 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ से कटाएंगे, इससे ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू 63/16। tan को इधर
करेंगे तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 63 अपॉन 60। अब थीटा का वैल्यू जो लेट किए हम यहाँ पे रखेंगे तो थीटा इक्वल टू लेट किए है साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस फाई का वैल्यू क्या लेट किया है कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू हमारा आ गया टेन इनवर्स 63 अपॉन 60। प्रूव हो गया, लिख लीजिए इसको समझ के, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था। आगे का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर को। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फिर भी हम बता रहे हैं, इसको देखना है ध्यान से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रूव दैट टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4। प्रूव करना है इसको, तो यहाँ से हम लोग टेन इनवर्स एक्स फार्मूला आपको पता होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे चार टेन इनवर्स का टर्म दिया हुआ है तो दो दो को एक बार सॉल्व करेंगे फिर दो आ जाएगा तो उसको नेक्स्ट बार सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस टेन इनवर्स। अब इन दोनों को एक बार सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 और 7 का तो 35, यहाँ पर जोड़ देंगे इसको अपॉन 35 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी जोड़ना है, 38 का एलसीएम हो जाएगा 24 अपॉन 24 यहाँ पर भी होगा माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स 35 कैंसिल हो जाएगा 7 प्लस 5 12 अपॉन 34 प्लस टेन इनवर्स 24 से 24 कैंसिल होगा 8 प्लस 3 11 अपॉन 23। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको फिर छोटा कर लेते हैं कटाकर, तो टेन इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस टेन इनवर्स 11 अपॉन 23। अब इसके बाद फिर से हम लोग एक बार टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर जो हमारा प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो देखिए आगे वो सॉल्व कर देते हैं, टेन इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23। इसको जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा टेन इनवर्स 17 इंटू 23 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कटेगा 23 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ पर 17 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे
बटा में, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर 17 × 23 −6 × 11 सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा, यहाँ पे आगे बचेगा tan−1। tan−1 का वैल्यू आपको पता है होता है π/4, तो ये भी सॉल्व हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रूव दैट tan√x=1/2cos−1 − x/1+x। ये प्रूव करना है, तो देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट, सबसे पहले तो इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है, तो x के लिए कुछ मानेंगे। तो लेट tan√x = θ, तो √x tan को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan θ। अब ये √x है तो इसको x लाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा और इधर हो जाएगा tan²θ। अब आपको पता होगा यहाँ पर आगे हमको जो प्रूफ करना है उसी के अनुसार यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रूफ करना है 1/2 cos−1 − x/1+x। तो cos के फॉर्म में प्रूफ करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा, cos²θ = 1−tan²θ/1+tan²θ। तो यहाँ से आगे हम लिखेंगे cos²θ = 1−tan²θ = x है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x/1+x, क्योंकि tan²θ का वैल्यू x है, तो हम tan²θ के जगह पर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर x पुट करेंगे। अब जो हमारा है x इधर आएगा तो इधर बचेगा cos, इधर आएगा तो cos−1 हो जाएगा 1 − x/1+x। अब 2 से भी इधर डिवाइड कर देंगे तो θ = 1/2 cos−1 − x/1+x। थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, tan√x, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे tan√x = 1/2 cos−1 − x/1+x। प्रूफ हो गया हमारा, देखिए ऊपर क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था यहाँ पर, जो कि प्रूफ हो गया, तो इसको ध्यान से लिख लेना है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट √1 sin x − √1 − sin x upon √1 sin x + √1 − sin x = क्या प्रूफ करना है, x/2। यहाँ पे दिया हुआ है x belongs to ओपन इंटरवल 0 to π/4, तो इससे कुछ खास मतलब नहीं है, ये रेंज दिया हुआ है क्वेश्चन का,
तो इसको आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करेंगे पहले, तो LHS इक्वल टू दिया हुआ है कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो एग्जाम में या किसी भी बुक में, तो पहले हम ऊपर और नीचे रेशनलाइज करते हैं, रूट में दिया होगा डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो देखेंगे इसको अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं सेम टर्म है, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर भी सेम टर्म है, तो ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे दिया गया है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे आ रहा है, तो नीचे के लिए हो जाएगा, आपको पता होगा फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। कॉट इनवर्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर रूट में है तो रूट कैंसिल हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ से भी ये रूट कैंसिल हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स माइनस टू ए बी होता है, टू ए बी। तो लिखेंगे यहाँ पर टू इंटू ए इंटू बी, जैसे ही करेंगे तो ए हमारा है वन प्लस साइन एक्स, दोनों रूट में है तो एक ही रूट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, तो आगे जब ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स माइनस, ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वन माइनस में हो जाएगा और ये साइन जो है प्लस में आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया था, मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो भी इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो जहां जहां साइन चेंज हुआ है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये तो सही है, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, अब जाकर के क्वेश्चन सही हो गया। सही इसलिए कि ये क्योंकि आंसर मिलाइएगा तो फिर उस समय दिक्कत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन का ये जो माइनस प्लस मिस प्रिंट हो गया था उसको सुधार लिए, हो सकता है क्वेश्चन में कभी वैसा भी आ जाए तो भी इसी तरह बनेगा। आगे इसको देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से साइन एक्स कटेगा
और वन से वन कटेगा, तो आएगा वन प्लस वन टू, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉट इनवर्स टू प्लस, देखिए यहाँ पर भी टू है तो दोनों टू को हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट से कॉस स्क्वायर एक्स निकलेगा तो हो जाएगा कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिए, और नीचे हमारा बचेगा टू साइन एक्स, टू से टू कैंसिल हो गया तो आ गया कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स। हाफ एंगल का ये फॉर्मूला है याद कीजिए, कई बार बताए होंगे आप लोगों को, वन प्लस कॉस टू थीटा, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर वही वन प्लस कॉस थीटा हो तो ये हो जाता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पर क्या है वन प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और नीचे आपको पता होगा साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर वहीं इसका एंगल हाफ कर दिया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ पर लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल होगा कॉस थी, यहाँ पर थीटा नहीं है एक्स है, एक्स लिख देते हैं, इससे एक कॉस कैंसिल हो गया तो बचा हमारा कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया आ गया एक्स बाई टू, देखिए प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, जिसको ध्यान से देखना है, देखिए कैसे कैसे हम सॉल्व किए, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान मेथड है। टेंथ क्लास में भी एक दो क्वेश्चन इस तरह का था जिसको हम लोग बनाए थे, यहाँ पर भी इसको देखिए और समझिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन का आंसर एक सपा टू आया है, बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे 10 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको प्रूव करना है। इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन देखे ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जगह पर एक्स दे दिया है, एलजेब्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर हमको देखना है कैसे बनेगा। आप जैसे हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन बनाए रेशनलाइज करके, उस तरह भी बना सकते हैं, रेशनलाइज करने के बाद बिल्कुल ये उसी तरह का आएगा डाटा लास्ट में, और वहाँ पर हम एक्स का वैल्यू कॉस एक्स पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस एक्स या साइन एक्स पुट करके वहाँ पे जैसा होगा प्रूव कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग यहीं से एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको बताते हैं, हम यहीं से एक्स का वैल्यू लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा क्यों माने, क्योंकि हमको फार्मूला पता है वन प्लस कॉस टू थीटा का वैल्यू क्या होता है और वन माइनस कॉस टू थीटा का वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ पे हम केवल कॉस थीटा रखते हैं या कॉस स्क्वायर तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए कॉस टू थीटा यहाँ पर लेट किए। अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो हम बताए अभी अभी पीछे कि इसको रेशनलाइज करके लास्ट में जो डाटा आएगा सिंप्लीफाई होकर के जो डाटा आएगा रेशनलाइज करने के बाद वहाँ पर भी आप एक्स का वैल्यू लेट कर सकते हैं सुविधा अनुसार साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी वहाँ पे लेट करना हो, लेकिन हम यहीं से लेट कर ले रहे हैं एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो देखिए आगे क्या होता है, टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा,
प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस टू थीटा का वैल्यू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, पता होगा आपको। और यहाँ से जब हम निकालेंगे तो अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा का वैल्यू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद होगा आपको। नीचे भी उसी तरह से लिखेंगे अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ना लिख करके हम लोग इधर लिखेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर निकल जाएगा लेकिन ये टू रूट में ही रह जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट टू कॉस थीटा माइनस अंडर रूट टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर भी अंडर रूट टू हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे अंडर रूट टू कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे का अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स, देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा ऊपर और नीचे कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर कॉस थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा, ऊपर नीचे का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचा टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। तो इसको लिख लीजिए, आगे मिटा करके आगे बताते हैं, जल्दी से इसको लिखिए। आगे का यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ के बाद इसका भी फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा ये भी बहुत बार आया है पीछे क्वेश्चन में। टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो इतना आएगा, क्योंकि टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा। तो टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है और यहाँ पर भी वन मल्टीप्लीकेशन में है तो इतना हो सकता है, तो यहाँ पे इसीलिए ये लिखे हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो आ गया हमारा पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू कॉस इधर आएगा तो टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और थीटा इक्वल टू तो वन बाई टू से डिवाइड हो जाएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स, प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था। तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। अभी हम आपको बताएं कि इसको रेशनलाइज करके भी आप बना सकते हैं या फिर इस तरह से बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग खुलता है और ज़्यादा सोचने का क्षमता बढ़ता है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाए। आप इसको एक बार घर पर रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, तो इसको समझ गए होंगे, इसको लिख लेना है। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है प्रूव दैट 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन
कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। लिखते हैं एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस लाएंगे, तो एलएचएस इक्वल टू दिया हुआ है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो आप देख रहे होंगे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9/4 दोनों में कॉमन है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 9/4। यहाँ बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कुछ नहीं याद आ रहा है तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो कॉस इनवर्स x या साइन इनवर्स x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो हम यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पर कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब चूंकि हमको क्वेश्चन का जो राइट साइड है वो साइन इनवर्स में दिया है और प्रूफ हमको साइन इनवर्स में करना है, तो इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, इसको थीटा मान लिए, तो थीटा जैसे ही माने तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये थीटा हो गया तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/3। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगा √8, √8 कहने का मतलब 2√2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 2√2/3। और चूंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ये देखते हैं, थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहाँ पे इसको जब थीटा मान लिए हैं तो ये हमारा हो गया था थीटा मानने के बाद 9/4 थीटा, तो ये भी थीटा का वैल्यू है। और जब इसको हम साइन इनवर्स में चेंज किए तो थीटा का वैल्यू ये आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9/4 थीटा का वैल्यू साइन के फॉर्म में आया है साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का। और मान लीजिए प्रूफ करने के बाद यहाँ पे टर्म जो प्रूफ करना है उसमें नहीं आता है, तो इसको फिर हम उसी टर्म में चेंज कर लेते हैं थीटा मान करके। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, इसको लिख लीजिए। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। LHS ये इसको प्रूव नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम LHS साइड में देख रहे हैं 2 tan इनवर्स cos x दिया है, तो अगर यहाँ पे 2 ना रह करके tan इनवर्स x केवल रहे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको जानते हैं यहाँ पे एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x2। इस फार्मूले पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2cos x/1 - cos²x इक्वल टू tan इनवर्स 2cos x। यहाँ से tan इनवर्स इधर आएगा तो ये tan हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 2cos x और नीचे हो गया sin²x, आपको फार्मूला ये पता ही होगा इक्वल टू 2cos x। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हो गया cos अपॉन sin होता है cot और एक cos बचा हुआ है तो ये हो जाएगा cos x, 1/sin x बचा है इक्वल टू cos x। यहाँ से cos x कट गया, हो गया cot x इक्वल टू 1, x इक्वल टू cot इनवर्स 1। तो यहाँ पर आ गया x का वैल्यू π/4। ये π/4 के लिए
जो इक्वेशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई होगा जब एक्स का वैल्यू पाई बाई फोर होगा। आप यहाँ पर एक पुट करके देख सकते हैं, जैसे ही हम कॉस पाई बाई फोर रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और इधर जैसे ही रखेंगे पाई बाई फोर तो √2 हो जाएगा। फिर 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और बहुत सारा तरीका है जो बहुत लेंदी है, तो ये आपका जो सिंपल तरीका है वही आपको हम बताएं। तो आज हम लोग मिसलेनियस का 12 नंबर तक बना चुके हैं, आगे देखेंगे अगले क्लास में इसको, मिसलेनियस को पूरा कर दिया जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।